हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साफ सफाई में यूज होने वाले बहुत सारे चीजों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। इसे कहते हैं फीदर डस्टर, फीदर डस्टर मतलब होता है झाड़ने वाला ब्रश। इसे कहते हैं डस्टपेन, डस्टपेन मतलब होता है तसला। इसे कहते हैं कोकोनट ब्रूम स्टिक, कोकोनट ब्रूम स्टिक मतलब होता है नारियल झाड़ू। इसे कहते हैं स्टेप लैडर, स्टेप लैडर मतलब होता है सीढ़ी। इसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर मतलब होता है धूल साफ करने वाली मशीन। इसे कहते हैं मॉप, मॉप मतलब होता है पोछा। इसे कहते हैं रैग, रैग मतलब होता है चिथड़ा। इसे कहते हैं वाइपर, वाइपर मतलब भी होता है पोछा। इसे कहते हैं गार्बेज बैग, गार्बेज बैग मतलब होता है कचरे की थैली। इसे कहते हैं डस्टबिन, डस्टबिन मतलब होता है कूड़ेदान। इसे कहते हैं फ्लोर क्लीनर, फ्लोर क्लीनर मतलब होता है फर्श साफ करने वाला। इसे कहते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब होता है सर्फ। इसे कहते हैं बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश मतलब होता है बोतल धोने का ब्रश। इसे कहते हैं रबर ग्लव्स, रबर ग्लव्स मतलब होता है रबड़ के दस्ताने। इसे कहते हैं वेस्ट पेपर बिन, वेस्ट पेपर बिन मतलब होता है कागज की टोकरी। इसे कहते हैं टैप या फॉसेट, और हिंदी में कहते हैं नल। इसे कहते हैं होज, होज मतलब होता है लेजम। इसे कहते हैं प्लास्टिक टब, प्लास्टिक टब मतलब होता है प्लास्टिक का टब। इसे कहते हैं प्लास्टिक मग, प्लास्टिक मग मतलब होता है प्लास्टिक का मग। इसे कहते हैं प्लंजर, प्लंजर मतलब होता है मज्जक। इसे कहते हैं सैनिटाइजर, सैनिटाइजर मतलब होता है प्रक्षालक। इसे कहते हैं ग्लास क्लीनर वाइपर, और हिंदी में कहते हैं शीशा साफ करने वाला यंत्र। इसे कहते हैं ग्लास क्लीनर, ग्लास क्लीनर मतलब होता है शीशा साफ करने वाला। इसे कहते हैं बकेट, बकेट मतलब होता है बाल्टी।